गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास. टुडे वी विल अंडरस्टैंड मैथ चैप्टर 10. क्वेश्चन देखेंगे. राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन. आपको क्या है, ऑड्स नंबर लिखने हैं सबके. ठीक है, 573 एंड 590 के जो बिटवीन, यानी कि इन दोनों के बीच के नंबर्स में जितने भी ऑड नंबर हैं आपको वो यहाँ पे लिखने हैं. ठीक है, तो 575 हो जाएगा. 573 के बाद ऑड नंबर कौन सा है, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587 और 589. ठीक है, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 591, यानी कि 90 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो हमें बस यहां तक ही लिखने हैं. ठीक है, इसी तरह आप इन क्वेश्चंस में भी और नंबर्स लिखेंगे, नंबर्स के बीच में जो आते हैं. ठीक है, जो नंबर दिए हैं जैसे 675 और 702 के बीच में जो नंबर आते हैं और नंबर्स आते हैं उनको आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, इसी तरह आप इस क्वेश्चन में भी करेंगे. नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द आंसर एंड राइट वेदर द आंसर इज एन ऑड और एन इवन. आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके आपको क्या है, ऑड और इवन बताने हैं कि इनका आंसर ऑड या इवन में है. जैसे कि यहाँ पे 11 + 13 है, 11 + 13 कितने हो जाते हैं, 24. अब बताना है हमें 24 कैसा नंबर है, इवन है या ऑड है. जैसे हम देखने में पता चला है ना ये इवन नंबर है. ठीक है, तो अब जैसे नेक्स्ट देखेंगे, 20 - 5, 20 में से -5 कर दिए कितना जाएगा, 15. अब 15 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑड. ठीक है, इस तरह 45 - 20, 45 × 20, 45 की हमने 20 में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना जाएगा, 900. अब हमें बताना 900 ऑड है या इवन है, तो क्या नंबर है, ये इवन नंबर है 900. ठीक है, इसी तरह आप ये सारे क्वेश्चंस में आंसर लिखने हैं, फिर उसके बाद ये बताना है कि वो नंबर ऑड है या इवन है. ठीक है, आप ये सभी क्वेश्चन नोटबुक में करेंगे.